जय हिंद दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुजीत पांडे आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास का आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है हमें आज़ादी मिली उसमें गांधी जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और गांधीवादी युग के आंदोलन मतलब गांधी जी जब लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से उसके बाद से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ बहुत सारे आंदोलन हुए थे ना केवल गांधी जी द्वारा और भी महापुरुषों द्वारा तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इतिहास में इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक में से आते हैं सन 1919 से लेकर 1947 का जो सन है उसके बीच के क्वेश्चन सबसे ज्यादा और अभी भी आ रहे हैं मैंने कई क्वेश्चनों पे जो क्वेश्चन जिस पेपर में आए हैं उस पेपर कौन सा पेपर था और कब हुआ था उसको भी लिखकर दिखाए जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए बीपीएससी बिहार पीएससी 2018 का ही क्वेश्चन है ऐसे करके पूरे क्वेश्चन इकट्ठे करें हैं एक ही वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है टॉपिक वाइज ये वीडियो रहेगा आपका प्यार चाहिए सपोर्ट चाहिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शिद्दत से ये पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए मेरी गारंटी है जहां जहां इतिहास आएगा जी के वहां वहां आपको ये क्वेश्चन रखे मिलेंगे स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए हम करेंगे सुपर फास्ट स्पीड में इस वीडियो का आगाज पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत का सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो था आपका चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहां पर विकसित की थी या फिर कहां पर गड़ी थी 2020 में आया बीस में क्वेश्चन। तो सबसे पहले सत्याग्रह किया था जी ने, दक्षिण अफ्रीका में वहीं से इसकी शुरुआत की थी और फिर जब भारत आए तो भारत में भी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा सत्याग्रह को दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था तो चंपारण में तीनकटिया प्रथा लागू की गई थी और इसका तात्पर्य था तीन बटे बीस भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है ये तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य था और आपको पता है नील की खेती करते करते धीरे धीरे जमीन वंजर हो जाती है उसके पोषक तत्व पूरे चले जाते हैं ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था यह कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने गांधी जी का साथ दिया था तो चंपारण सत्याग्रह संघर्ष में गांधी जी का साथ एक तो दिया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और दूसरा दिया था अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने किस किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति कितनी बार बने हैं एक दो तीन चार पांच कितनी बार बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति कमेंट करके बताइएगा और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं था यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए कौन संबंधित नहीं था तो यहां पर देखिए राजेन्द्र प्रसाद जी संबंधित थे अनुग्रह नारायण सिन्हा जी भी थे और जे बी कृपनानी जी भी थे जयप्रकाश नारायण जी ये चंपागर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे आंदोलन से संबंधित नहीं थे ऑप्शन नंबर यहां पर गलत आंसर है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था तो महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एन जी रंगा ने विरोध किया था ऑप्शन नंबर बी एन जी रंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों एवं मजदूरों के बीच के को लेकर विवाद हुआ था तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों को लेकर और मजदूरों को लेकर विवाद हुआ था आपका प्लेग बोनस को लेकर ऑप्शन नंबर डी प्लेग बोनस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किस में औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था कौन सा सत्याग्रह था तो अहमदाबाद का सत्याग्रह था जिसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था ऑप्शन नंबर यहां पर सी अहमदाबाद सत्याग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था तो अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल के कामगारों के लिए ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा यूपीपीसी दो हजार क्वेश्चन है वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है यह कार्य के घंटों के संबंध में कामगार एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था दूसरा है गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी इनमें से कौन सा कथन सही है तो यहां पर आपका कौन सा कथन सही है पूछा गया है केवल और केवल दूसरा कथन सही है गांधी जी ने कहा था कामगारों को कि हड़ताल पर जाइए तब जाके आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह का संबंध इनमें से किस राज्य से है तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध राइट आंसर हो जाएगा यह था आपका गुजरात से ऑप्शन नंबर बी गुजरात से संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था तो जब गांधी जी खेड़ा गए थे तो आपके महादेव देसाई ये मौजूद थे इंदूलाल याग्निक भी गांधी जी के साथ थे आसफ अली गांधी जी के साथ नहीं थे ऑप्शन नंबर यहां पर सी आसफ अली गांधी जी के साथ नहीं थे रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था तो रोलेट एक्ट जो बनाया गया बनाया गया था आई एस प्री दो क्वेश्चन है बिना मुकदमा, बिना मुकदमा चलाए बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लेना और, मुका, और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया में करना ऑप्शन नंबर भी यह रोलेट एक्ट का लक्ष्य था ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया था तो रोलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया था उसका रीजन था इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है जलियावाला बाग नरसंहार किस किस गांधीवादी सत्याग्रह से के संबंध में हुआ था तो जलियावाला बाग नरसंहार यह आपका जो हुआ था यह रोलेक्ट सत्याग्रह के कारण हुआ था रोलेक्ट एक्ट के कारण हुआ था ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बीपीएससी बिहार पीएससी दो में क्वेश्चन आया हुआ था जलियावाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था तो जलियावाला डायर एसएससी 2015 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियावाला बाग में तेरह अप्रैल उन्नीस को एकत्रित हुए थे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में तो जलियावाला बाग में इकट्ठे हुए थे तेरह अप्रैल 1919 को उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्या सत्यपाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था इनके विरोध में ही जलियावाला बाग आ, में लोग एकत्रित हुए थे और वहीं पर फिर हत्याकांड हुआ था ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है जलियावाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था तो नाइट हुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस लौटा दी गई थी ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायस राय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था तो वायस राय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें शंकरन नायर जी भी थे और इन्होंने जैसे ही एक कांड हुआ हत्याकांड हुआ इन्होंने इस्तीफा दे दिया शंकरन शंकरन नायर जी ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है जलियो अलवाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था तो जनरल ओ डायर को मार दिया था उधम सिंह ने इस पर मूवी बनी है देखिएगा देशभक्ति वाली मूवी जरूर देखा करो ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया निवारक हत्या मोन्टेग्यू ने निवारक हत्या किसको कहा था राइट right आंसर हो जाएगा जलियावाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या कहा था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जलियावाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था तो यह जो कार्य सौंपा गया था यह सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए अगला क्वेश्चन देखिए रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है यहां पर आपको कथन दिए गए कौन सा सही है बताना है तो यहां पर देखिए रोलेट अधिनियम कमेटी की सिफारिश पर आधारित था बिल्कुल सही है यह कथन सेडिसन कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए ऑप्शन नंबर तीन गलत है एक और दो सही है यहां पर ऑप्शन नंबर भी एक और दो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा जलियावाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किस कौन सा कथन सही है जलियावाला बाग में सेना ने निती भीड़ पर गोली चलाई थी बिल्कुल सही है ये कथन निहत्ती भीड़ पर गोली चलाया गया सेना जन सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी हाँ तो उस समय जनरल डायर सेना को कमान कर रहे थे ऑप्शन नंबर दो भी सही है गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी भी नहीं दी ये भी बिल्कुल सही है यहां पर कथन एक दो तीन तीनों कथन सही है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है मौलाना मोहम्मद अली ये थे और साथ ही साथ शौकत अली ये दोनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए प्रारंभ किया गया था तो खिलाफत आंदोलन ये टर्किश खलीफा को अपमानित करने के विरोध में प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर 8 टर्किश खलीफा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एसएससी का क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया तो महात्मा गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त चाहा था इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी सपोर्ट किया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी जी को ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी भागी की भर्स की थी तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी गए थे उसकी भर्सना की थी उनको मतलब भला बुरा कहा था ऑप्शन नंबर डी कि वो राजी नहीं थे कि महात्मा गांधी जी गए थे ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है एम ए जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ था हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थे उसमें कमी आई क्योंकि हिंदू भी शामिल हुए थे उसमें तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए कौन सी घटना में एचिनसन ने यह कथन कहा था यह कथन संबंधित है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए यह कहा गया था खिलाफत और असहयोग आंदोलन में कि हम मुसलमान और हिंदुओं को भिला नहीं पाए इसमें दोनों ने एकजुटता दिखाई 1919 और 1922 खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े रहे वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुई थी तो खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी और वह हुई थी आपकी इलाहाबाद में ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था सबसे पहला भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना एक तो यह था और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण एक और चार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये दोनों मुख्य उद्देश्य थे खिलाफत आंदोलन के एक और चार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसके लिए तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए ऑप्शन नंबर यहां पर खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए एक ये और दूसरा है आपका मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इन दोनों काम के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्राप्त किया एक तो खलीफा की पुनर्स्थापना और दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था एसएससी 2012 क्वेश्चन तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू और मुसलमानों दोनों को दोनों का समर्थन मिला था असहयोग आंदोलन को ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण एक तो खिलाफत का प्रश्न ये बिल्कुल था पंजाब में जो अत्याचार हो रहे थे वो और रोलेट एक्ट इन सबको मिलाकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ नमक कानून का कोई कारण नहीं था नमक कानून नहीं था बाकी तीनों कारण थे खिलाफत का प्रश्न पंजाब में अत्याचार और रोलेट एक्ट गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था ठीक है असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने बोला था कि भैया शराब से परहेज करो फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई थी और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से बोला था कि भैया शराब पीजिए शराब पीने के लिए प्रेरित किया था और प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित कर दी थी जो शराब पीते थे, थे उस प्रदेश का नाम बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है बीपीसी बीपीएससी बिहार पी एस क्वेश्चन है तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था बिहार में बिहार में क्या हुआ था गांधी जी ने सहयोग आंदोलन पर शराब पीने को परहेज करने के लिए बोला था तो लोगों में मान भी गए थे और राजस्व में बहुत सारी कमियां आ गई थी फिर क्या हुआ जो सबसे ज्यादा शराब पीते थे, थे सरकार ने उनकी फोटो टांग दी प्रमुख व्यक्तियों की सूची टांग दी माफ कीजिएगा सूची टांग दी कि ये बहुत ज्यादा शराब पीते हैं ऑप्शन नंबर बी बिहार राइट आंसर है किस क्षेत्र में राहुल वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे तो राहुल शांक ये कहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे तो ये छपरा में एक्टिव थे ऑप्शन नंबर छपरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व तो किसने किया था अभी 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है बिहार पीएससी 2019 का क्वेश्चन है तो बिहार कृषकों का नेतृत्व करने वाले राइट right आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद जी थे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में परीक्षा के केवल बीस दिन ही बचे थे तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़कर कौन आ गया था राइट आंसर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा तो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण जी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तो नागपुर की बात हो रही है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित करने वाले थे आपके सी आर दास जी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है सी आर दास जी निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है तो चोरी चोरा घटन, घटना जो हुई थी इसकी वास्तविक तिथि आपकी है चार फरवरी था और 1922 का समय ऑप्शन नंबर बी चार फरवरी 1922 प्रश्न के लिए राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण ऑप्शन नंबर डी चौरी चौरा में हुई हिंसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में चौबीस फरवरी उन्नीस को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया तो गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था डॉक्टर मुंजे ने कि आ, आप जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है देखिए असहयोग आंदोलन के लगभग आपके पूरे क्वेश्चन करा दिए मैंने तो असहयोग आंदोलन के संबंध में लगभग आपका जो सही नहीं है वो है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया तो ये कथन सही नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था याद रखना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था तो एक वर्ष में स्वराज ये जो नारा दिया गया था यह दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय कि एक वर्ष में हमें स्वराज प्राप्त करना है ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा इसकी स्थापना की गई थी आपका जमनादास द्वारा ऑप्शन नंबर ए दास, दास राइट आंसर है लिए। सीजी पी एस सी छत्तीसगढ़ पी एस सी दो हजार बीस अभी का क्वेश्चन है दो साल पहले का ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था वह कौन सी थी तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने वापस कर दिया था ऑप्शन नंबर बी केसर ए हिंद राइट आंसर हो जाएगा स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई तो स्वराज दल या स्वराज पार्टी इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन असफल रहा उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए स्वराज दल की स्थापना किसने की थी तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ऑप्शन नंबर डी चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है प्रश्न के लिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था तो बिहार के अंदर स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह जी ने ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था तो केंद्रीय विधानसभा की बात हो रही है वहां पर भी स्वराज दल का समर्थन किया गया था राइट right आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना एम ए जिन्ना के द्वारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना यह कानपुर में हुई थी ऑप्शन नंबर बी कानपुर प्रश्न के लिए राइट right आंसर है किनके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो उस समय नेतृत्व किया था चंद्रशेखर आजाद जी ने चंद्रशेखर आजाद जी के समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी इनमें से कौन थे तो जेल में ही भूख हड़ताल कर दी थी उनका नाम था जतिन दास और भूख हड़ताल में के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिल गई थी इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी और फांसी की सजा मिल गई थी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा किसकी हत्या की थी कमेंट करके बताइए उधम सिंह ने किसको गोली मार थी किसकी हत्या की थी कमेंट करके बताइए इंग्लैंड में जाकर हत्या की थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूवी भी बनी है और आपको याद होना चाहिए काकोरी ट्रेन डकेती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी तो काकोरी ट्रेन कांड में फांसी की सजा मिली थी राम प्रसाद आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल असफाक उल्ला खां निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंट केस या मुकदमा से संबंधित नहीं था तो काकोरी केस से पहले हम बता देते कौन कौन संबंधित थे तो देखिए इनमें से रामप्रसाद प्रसाद जी काकोरी केस से संबंधित थे राजेंद्र लहड़ी भी संबंधित थे और अशफाक उल्ला खां भी सूर्यसेन ये काकोरी केस से संबंधित नहीं थे निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था तो राइट आंसर हो जाएगा मुकदमे से बच निकला था पूछा गया है चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन नंबर सी ये मुकदमे से बच निकले थे ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फांसी पर चढ़ा दिया गया था राम प्रसाद फांसी, फांसी पर राइट आंसर है निम्नलिखित पंतियों को किसने लिखा सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है तो यह जो लाइन लिखी गई थी यह लिखी गई थी बिस्मिल जी द्वारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बिस्मिल जी राइट right आंसर है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम किसके साथ फेंका था तो भगत सिंह जी द्वारा सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त राइट आंसर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए सबसे पहले जिसने फांसी की सजा पाई थी तो रिकॉर्डेड नाम है अशफाक उल्ला ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्ला खां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी इनमें से किसके द्वारा तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना यह बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता ये सभी लोग इनमें से किस षडयंत्र के लिए कैद हुए थे क्या हो जाएगा राइट right आंसर तो इनके द्वारा षडयंत्र जो किया गया था जिसमें जिसके कारण कैद हुए थे कानपुर कांड ऑप्शन नंबर षड्यंत्र पर डी कानपुर बोल सेविक कांड प्रश्न के लिए राइट right आंसर हो जाएगा विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब विश्व युद्ध हो रहे थे उस समय की बात है तो यहां पर आपका कथन कौन सा सही है यहां पर आपका एक कथन सही है वो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल उन्नीस को बम फेंका था बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए बम किसने फेंका था यहां पर आपको चार नाम दिए गए हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त तो एक और चार तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त निम्नलिखित युगमों में से कौन सही सुमिल नहीं है यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए तो देखिए हावड़ा षडयंत्र प्रकरण 1910 की बात है यह बिल्कुल सही सुमेलित है विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण यह आपका हुआ था 1914 में यह भी बिल्कुल सही है लाहौर षडयंत्र प्रकरण 1916 से 1930 ये यह भी बिल्कुल सही है 1916 और 1930 माफ कीजिएगा यह भी सही है काकोरी षडयंत्र प्रकरण 1924 ये आपका गलत है कमेंट करके बताइए काकोरी षडयंत्र प्रकरण की डेट आ, सन क्या था काकोड़ी सरण का सन क्या था कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए दिल्ली संयंत्र केस अमीर चंद जी बिल्कुल सही है ये काकोड़ी सडय केस अशफाक उल्ला खां यह भी सही है लाहौर सड़यंत केस जतिन दास यह भी सही है नासिक षडयंत्र के, केस रास बिहारी बोस जी ऑप्शन नंबर डी यहां पर यह आपका गलत हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनको सही क्रम में आपको निभाना है तो लाहौर मुकदमा काकोरी मुकदमा मेरठ का मुकदमा और कानपुर का मुकदमा इनमें से कौन कैसे क्रम में हुआ ये आपको बताना है मैं आपको सीधे ऑप्शन दे देता हूँ आप सीधे आंसर बता देता हूँ सबसे पहले हुआ है आपका लाहौर मुकदमा नंबर एक यहां पर लाहौर मुकदमा आएगा इसके बाद हुआ था कानपुर मुकदमा नंबर चार उसके बाद हुआ था काकोरी उसके बाद हुआ था मेरठ लाहौर कानपुर काकोरी मेरठ ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो भगत सिंह के बारे में कथन दिए गए हैं देख लेते हैं तो भगत सिंह के बारे में पहला कथन पढ़िए भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे यह कथन बिल्कुल गलत है वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह की बात हो रही है तो आपका यह वाला भी गलत है नहीं थे सदस्य अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष उन्नीस केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका केवल और केवल नंबर तीन सही है ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह जी ने ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए साइमन आयोग की नियुक्ति जलियावाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी जी की डांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु इसमें से कैसे कैसे क्रम से कौन कौन सा हुआ है तो सबसे पहले हुआ था आपकी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु उसके बाद हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति और आखिरी में हुआ था महात्मा गांधी जी की डांडी यात्रा मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार दो एक तीन फिरोज शाह की मृत्यु जलियावाला वाक हत्याकांड साइमन कमीशन की नियुक्ति और महात्मा गांधी की डांडी यात्रा साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन का कारण था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था तो 1928 की बात है साइमन कमीशन आया था प्रशासनिक सुधार

परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए यह बिल्कुल सही है असहयोग नीति के पक्ष में पहले नहीं थे लाला लाजपत राय बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए असहयोग नीति को लेकर स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय जी भी शामिल हुए यह गलत है तो केवल ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट इनमें से किसने तैयार की थी क्या हो जाएगा सही आंसर तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा एम एल नेहरू जी ने ऑप्शन नंबर ए एम एल नेहरू प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखिए कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ये जो लीग स्थापित की गई थी यह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित की थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोतीलाल नेहरू के विरोध में वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमिटी द्वारा तैयार की गई और इसका विषय क्या था तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की, की गई थी अब आपको बताना है इनमें से कौन से इससे संबंधित है तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और साथ ही साथ संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान इस रिपोर्ट में था तो दो और तीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर भी दो और तीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दौरान। के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को किसी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए कि जो स्वराज वर्ड है उसका मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी विदेशी नियंत्रण नहीं हो और संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए यह कहा था मौलाना हसरत मोहानी जी ने ऑप्शन नंबर बी मौलाना हसरत मोहानी जी राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर उन्नीस को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में और उसकी अध्यक्षता इनमें से की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था तो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा सबसे पहली बार लहराया गया था राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रश्न के लिए 31 दिसंबर उन्नीस को ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बी माफ़ कीजिएगा 31 दिसंबर उन्नीस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले की थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले की थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्नीस में ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष उन्नीस का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है इनमें से किस कारण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? तो 1929 के अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति दे दी थी ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था शामिल नहीं था बोला गया है तो मैं आपको सीधे बता देता हूं देखिए पहला तो शामिल था भारत में विदेश नीति की घोषणा करना पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा करना सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ की तैयारी अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था अधिवेशन में संकल्प जो पारित किया गया था उसमें अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इतिहास के लिए प्रसिद्ध है किस कारण से प्रसिद्ध है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था नंबर एक यहां पर सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है निम्नलिखित तो में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के डांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी पहले किंतु एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरीके से बदल दी और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन भी किया कौन सी अमेरिका की पत्रिका थी तो राइट आंसर हो जाएगा वो थी टाइम्स ऑप्शन नंबर सी टाइम पत्रिका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एनडीए दो का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था तो गांधी समझौते में गांधी जी का जो लाभ हुआ था आंसर है गांधी किस सन में हुआ था तो गांधी समझौता आपका 1931 में हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1931 राइट आंसर है निम्नलिखित तो व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था तो राइट आंसर हो जाएगा इरविन और गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू जी ने कहा था ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर तो होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर जो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित थे, इन में से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो गांधी इरविन समझौते में आपका सम्मिलित था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सबसे पहला असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना नंबर दो, और साथ ही साथ केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था एक दो और चार ये गांधी इरविन समझौते में शामिल थे ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी एक दो और चार ये सभी गांधी इरविन समझौते के पॉइंट थे निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा तो आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था तो मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित यह किया गया था किसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा याद रखना 1931 का जो अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है तो महात्मा गांधी जी की की लोकप्रियता और सम्मान पराकाष्ठा माना गया है यह कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने बोस ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है वर्ष उन्नीस में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया था कांग्रेस के कराची संकल्प की बात हो रही है तो कराची संकल्प ने राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा यह इसमें समर्थन किया था ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आग़ आंसर हो जाएगा कि राज्य जो है यह प्रमुख उद्योग सेवाओं तथा स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन में, में। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए मौ, मौलाना मोहम्मद अली ये गए थे ऑप्शन नंबर यहां पर ए मौलाना मोहम्मद अली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है सही नहीं है बोला गया है तो सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था ये गलत है कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया था बाकी ऊपर के तीनों सही हैं पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था ऊपर के तीनों सही हैं कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था याद रखेगा लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में, में। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो भारतीय ईसाइयों की तरफ से गए थे आपके के टी पॉल ऑप्शन नंबर डी के टी पॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए रखा गया था तो राइट आंसर हो जाएगा यह रखा गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने हेतु गांधी जी की जो मांगे थी उसके लिए ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे गांधी जी यदि उनकी मांगे स्वीकार कर ली गई इसके लिए लंदन में गोलमेज गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इनमें से किसने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो जो दूसरा गोल में सम्मेलन था उसमें महादेव देसाई जी गए थे प्यारेलाल नैयर जी भी गए थे मदन मोहन मालवी जी भी गए थे जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोल में सम्मेलन में नहीं गए थे अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है महात्मा गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहां पर ठहरे थे तो महात्मा गांधी जी ठहरे थे, थे हॉल में जब दूसरे दूसरे क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी, जी गए थे या नहीं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी लंदन गए थे और किन्सले हॉल में ठहरे थे ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था तो वो गए थे एस एस राजपूताना जहाज में ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एस एस राजपूताना पानी का जहाज इसमें गए थे गांधी जी लंदन निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था तो वर्ष 1932 की बात है तो 32 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नंबर सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बता देता हूं महात्मा गांधी जी गए थे सरोजनी नायडू जी भी गई थी और मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे मौलाना आजाद नहीं गए थे दूसरे में महात्मा गांधी जी सरोजिनी नायडू मदन मोहन मालवी ये तीनों का थे एक दो तीन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय सांप्रदाय मैकडोनल्ड इन्होंने घोषित किया था ऑप्शन नंबर ए रैम जे मैकडोनल्ड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय सेना अधिनियम उन्नीस ते उन्नीस में पारित हुआ था यह बिल्कुल सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था यह भी बिल्कुल सही है द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में हुआ था यह भी बिल्कुल सही है साम्प्रदायिक निर्णय 1933 ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है साम्प्रदायिक निर्णय 1933 में नहीं हुआ था महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था तो महात्मा गांधी जी द्वारा सबसे पहला अमरण अनशन जो प्रारंभ किया गया था कम्युनल अवार्ड के समय ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट right आंसर हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय सबसे पहला अमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित तो में से कौन सी मांग रखी गई थी तो अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन के द्वारा जो मांग रखी गई थी वो रखी गई थी अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूना पैक्ट संबंधित था किससे तो पूना पैक्ट आपका ये दलित वर्ग से संबंधित था ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है श्री बी आर अंबेडकर वह गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता था तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था वो पूना समझौता कहलाता था ऑप्शन नंबर सी पूना समझौता राइट आंसर हो जाएगा 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे आपके घनश्याम दास बिरला जी ऑप्शन नंबर बी घनश्याम दास बिरला जी राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधान मंडलों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई थी जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी तो महिलाओं के लिए भी विधानसभा में सीटें आरक्षण की गई थी और ये अधिनियम था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है कौन यह समझता था कि अठारह सौ छत्तीस ईस्वी में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए खतरा रूसी अभिकल्पना डिजाइन थी तो इनमें से रूसी अभिकल्पना को भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए खतरा मानते थे और उनका नाम था आपका लॉर्ड पाम्स्टन ऑप्शन नंबर भी लॉर्ड पाम्स्टन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी डी का क्वेश्चन भारत में दल विहीन प्रजातंत्र

अगस्त अगस्त को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह सिद्धांत स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना केवल भारत लोगों की भारतीयों की जिम्मेदारी होना चाहिए यह स्वीकार किया गया था राइट right आंसर हो जाएगा लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव प्रश्न के लिए राइट आंसर है निम्नलिखित तो में से कौन सा क्रिस्प मिशन के से संबंधित सही नहीं है तो क्रिस्प मिशन से संबंधित सही नहीं है नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए यह क्रिस्प मिशन में संबंधित नहीं था बाकी युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियर दर्जा देना संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य करना और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है ये तीनों क्रिस्प मिशन से संबंधित थे ऑप्शन नंबर सी यहां पर संबंधित नहीं था सर स्टेफोर्ड क्रिस्प की योजना के तहत यह परिकल्पना की गई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनमें से क्या होगा तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाना चाहिए किसने कहा था? किसकी दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव जो था उसको कहा गया था कि क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है इंग्लिश में कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैसिंग बैंक है किसने कहा था तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा ऑप्शन नंबर यहां पर ए महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जी ये दोनों क्रिस्प मिशन के तहत कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार थे ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए एक है पूना पैक्ट उसके बाद गांधी समझौता क्रिस्प मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन पहले कौन बाद में इसको व्यवस्थित करना है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट और लास्ट में हुआ था क्रिस्प मिशन प्रस्ताव तो मतलब चार दो एक तीन ऑप्शन नंबर यहां पर चार दो एक तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो ए में भी चार दो एक तीन दिया है और सी में भी कोई सा भी टिक लगा दो ऑप्शन नंबर ए और सी में दोनों एक से दिए हैं तो चार दो एक सभी नाम आंदोलन सबसे पहले गांधी अरविंद समझौता फिर पूना पैक्ट उसके बाद क्रिप्ट मिशन अगला क्वेश्चन देखिए छः जुलाई उन्नीस को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी 1942 में और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चौदह जुलाई उन्नीस को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था आपका वर्धा में ऑप्शन नंबर बी वर्धा प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह पारित हुआ था ग्वालिया टैंक में ऑप्शन नंबर डी बंबई के ग्वालियर टैंक में ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही है सी बलिया में हुई थी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई तो मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1942 प्रश्न के लिए राइट आंसर है नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी तो भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया में और सतारा में एक और दो सही है बलिया और सतारा में सरकारों की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एक और दो बलिया और सतारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी जी ने इनमें से कौन सा कथन सही है तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व दिन महात्मा गांधी जी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था ऑप्शन नंबर यहां पर तीन सही आंसर हो जाएगा कि जो रियासतें थी उनके राजाओं को कहा था कि जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करो ऑप्शन नंबर तीन केवल सही है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर ये कहां पर रहे सबसे ज्यादा अधिक व्यापक तो राइट आंसर है आपका ये सबसे ज्यादा रहे थे बिहार में सबसे पहला और संयुक्त प्रांत में बिहार और संयुक्त प्रांत दो जगह ये सबसे ज्यादा रहे थे तो एक और चार मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एक और चार अगला क्वेश्चन देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था कटक में ऑप्शन नंबर एक कटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है कटक अगला क्वेश्चन देखिए आई एन ए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी तो आई एन ए ये उपज थी मोहन सिंह के दिमाग की और मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सुभाष चंद्र बोस जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आजाद हिंद सरकार की निर्माण घोषणा कब की गई थी तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की, की घोषणा 21 अक्टूबर उन्नीस सौ को की गई थी 21 अक्टूबर उन्नीस को आजाद हिंद सरकार की घोषणा निर्माण की घोषणा की गई थी किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की सक, में सक्रिय सहयोग दिया था तो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग रास बिहारी बोस जी ने दिया था ऑप्शन नंबर बी कहीं कहीं आपको रास बिहारी बोस जी भी ऑप्शन आएगा तो लगा देना कहीं कहीं आपको सुभाष चंद्र बोस आता है कहीं कहीं राज बिहारी बोस आता है दोनों में से जो आए आप लगा देना ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है यह कथन किस क्रांतिकारी का है भारतीय शहीदों के खून का बदला लो अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो यह किसकी लाइन थी तो यह लाइन थी सुभाष चंद्र बोस जी की लाइन थी ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था तो आजाद हिंद रेडियो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए तो यह चालू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया गया था ऑप्शन राइट आंसर है ए के अधिकारियों पर कहां पर मुकदमा चलाया गया था आई के जो अधिकारी थे उन पर कहां पर मुकदमा चला था तो राइट आंसर हो जाएगा आई के अधिकारियों पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था ऑप्शन नंबर ए लाल किला दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था तो सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु सी आर दास जी थे ऑप्शन नंबर यहां पर भी सी आर दास जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए तो प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई ऑप्शन नंबर यहां पर डी सर पी लॉरेंस राइट आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष उन्नीस में कौन भारत आया था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्नीस की बात है भारत आया था कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैबिनेट मिशन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था तो तीन स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने किया था ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था जिसे संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था लेकिन संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था ऑप्शन नंबर सी यहां पर रा, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रस्ताव मई में आया था इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था उपरोक्त उद्धरण किसके संबंध में है तो जो ये बात कही गई है यह कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बारे में बात की गई है ऑप्शन बड़ी यहां पर राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है तो कैबिनेट मिशन योजना के विरोध में पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी बाकी प्रांतीय सामूहिकरण भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल होना चाहिए और संविधान निर्माण का अधिकार होना चाहिए यह सभी था पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी कैबिनेट मिशन योजना में कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी केवल ऑप्शन नंबर ए सही है संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी कैबिनेट मिशन ने ऑप्शन नंबर केवल एक प्रश्न के लिए राइट आंसर है एटली की घोषणा का संबंध किससे है तो एटली की घोषणा का संबंध राइट आंसर हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता से ऑप्शन नंबर बी भारत की स्वतंत्रता राइट आंसर है माउंट बेटन योजना आधार बनी किस चीज का तो माउंट बेटे योजना जो थी यह सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी ऑप्शन नंबर पर भी राइट आंसर है सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को वर्ष उन्नीस में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को राइट आंसर हो जाएगा कहा जाता है आपका माउंट योजना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भारत का अंतिम वायसराय इनमें से कौन था तो भारत का आखिरी वायस राय था आपका लॉर्ड माउंट ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था तो लाल कुर्ती दल जो था था संगठित किया गया था, आपका अंग्रेजों को निकालने के लिए ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों को निकालने के लिए राइट आंसर है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना यह बटलर कमेटी की उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बटलर कमेटी के लिए द इंडियन स्ट्रगल 1920 1934 पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है तो द इंडियन स्ट्रगल इस पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस जी ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है किस भारतीय व्यवसायी गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए पूंजीवाद का समर्थन किया था तो लाभप्रद समर्थन किया था घनश्याम दास बिड़ला ने ऑप्शन नंबर ए घनश्याम दास बिड़ला राइट आंसर है अप्रैल 2017 में महात्मा गांधी जी से संबंधित किस घटना के सौ वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया गया तो 100 वर्ष हुए थे किस घटना के लिए राइट right आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के लिए ऑप्शन नंबर सी 2017 में 100 वर्ष हो गए थे चंपारण सत्याग्रह को फीनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था तो फीनिक्स बस्ती का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी थे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी। भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेटरी में से स्वतंत्र फोर पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था तो फोर पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था किसने दिया था राम मनोहर लोहिया जी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहां और हिंदू राज कहीं और होता है तो इसका विरोध किया था किसने राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका विरोध किया था ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्री कौन था तो सबसे पहले मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्री राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया था तो एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति एम जी हचिंस ऑप्शन नंबर सी एम जी Hutchins ने यह कहा था ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था तो कांग्रेस में समाजवादी दृष्टि का प्रतिनिधित्व नरेंद्र देव ने किया था ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र देव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा और यह रहा आज का आखिरी क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट उपाधि किस कारण से त्याग दी थी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बिहार पीएससी 2019 का क्वेश्चन है आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से त्याग दी थी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन एकत्र करने में आंदोलन के सभी क्वेश्चन एकत्र करने की कोशिश की गई है उन्नीस से लेकर उन्नीस के पूरे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए और अपना नाम भी कमेंट करके बताइए मैं जानना चाहता हूं कौन कौन अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल दिल से लगे हुए हैं अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो जरूर अपना नाम बताइएगा मैं इंतजार करूंगा वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा आपने पूरा वीडियो देखा तो दोस्तों को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमें आपसे ही उम्मीद है आप भेजेंगे तो हम ऐसे ही मेहनत करेंगे आपको एक एक टॉपिक टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक कवर करा देंगे हमने मुगल काल पर भी वीडियो बनाया है अठारह सत्तावन की क्रांति पर भी वीडियो बनाया है वो भी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो बहुत बहुत धन्यवाद